Massive controversy, in fact, has erupted over Naresh Agarwal's pro-Pakistan remark on Kulbhushan Jadhav as outrage peaks against Agarwal's remarks. Hindu Mahasabha has gone a step further and said Naresh Agarwal should be shot dead. The Hindu Mahasabha's Swami Chakrapani has said Naresh Agarwal must be questioned as he may have made pro-Pakistan remark on Islamabad's instructions. So a bizarre statement, now a bizarre response that is coming in from the Hindu Mahasabha. Pakistan bhi Jadhav ko aatankwadi manta hai, hamare us bhartiya nagrik ko Jadhav ko. Aur Bharat ka neta, wo kya naam bataya, Naresh Agarwal, wo bhi kehte hain ki wo aatanki hai. To hame lagta hai Pakistan जो हमारे सैनिकों को मार रहा है सीमा पे घुस करके तो ये तो उसका साथ दे रहा पाकिस्तान को ऐसे नेताओं को तो सबसे पहले गोली मारना चाहिए ऐसे नेता तो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरा है ये तत्काल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए सरकार को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए तो ये सब राष्ट्रद्रोही लोग हैं इन पे तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारना चाहिए ये सबसे पहले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए लेट मी इन फैक्ट गो अक्रॉस टू स्वामी चक्रपाणि हिमसेल्फ स्वामी चक्रपाणि जी आपने नरेश अग्रवाल के लिए कुछ बातें कही मैं आपसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं नरेश अग्रवाल के बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया देखिए ऐसा है ये बताइए जनप्रतिनिधि हैं और कहां तक जनता की बात रखनी चाहिए जो जाधव को हमारा जो ये पाकिस्तान जो भारत का भारत के लिए हमेशा समस्या पैदा करता हमारे सीमा पे सैनिकों को मार रहा है और उसकी विचारधारा को ये उठा रहे नरेश अग्रवाल और ये कह रहे हैं कि जी वो तो आतंकी है तो निश्चित रूप से ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान से कहीं ये पोसी तो नहीं हो रहे पाकिस्तान से कहीं फंडिंग तो नहीं वो कर रहे इस तरह की बात उठाने के लिए इस तरह की आवाज उठाने के लिए बताइए यादव जो भारतीय नागरिक है वो बेकसूर है वो पकड़ा गया है पाकिस्तान उससे उसको फांसी लगाने पे तुला हुआ है तो निश्चित रूप से ये लोग जानबूझ के सिचुएशन ऐसा बना रहे हैं और हमें तो डर है कि इनके बयान के बाद कहीं जैसे पिछली सरबजीत को मार दिया गया उसी प्रकार से कहीं इस पे भी हमला न हो जाए और इसकी हत्या नहीं हो गई तो इस तरह से ये राजनीतिक लोग राष्ट्रद्रोही चाहिए ये बताइए सर आपने ऐसा भी कहा कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए बिल्कुल गोली मारना चाहिए देश से हमारे सैनिकों को गोली मारा जा रहा है सैनिकों को पाकिस्तान के अभी कुछ दिन पहले चार लोगों को हमारे मार दिए गए हमारे सीमा पे सैनिक शहीद हो रहे हैं और इस तरह के मक्कार जो है नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको स्टे करवाया गया है और यहाँ पे उसके सुनवाई में नहीं तो जांच होनी चाहिए या गोली मार देनी चाहिए बिल्कुल गोली मारना चाहिए कौन है नेताओं को गोली मार देना आप कौन है मैं देश का नागरिक हूँ देश के नागरिक होते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे इस देश के जांच की मांग करना एक अलग बात है आप किस तरीके से लोगों को ऐसी थ्रेट दे सकते हैं कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए नरेश अग्रवाल ने जो कहा वो तो गलत है लेकिन आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है आप जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के या आप किसी गुंडे बदमाश की तरह बात करेंगे नहीं 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 सुनिए 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे लोग हमारे ये बताओ पाकिस्तान पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तान हमारे सैनिकों को गोली स्वामी चक्रपाणि भारत वही देश है जहाँ पे अजमल कसाब को भी पूरा ट्रायल का मौका दिया गया था आप कौन होते हैं ये तय करने वाले किसको गोली मार देनी चाहिए और किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए जो हमारे ये अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप उसका संरक्षण कर रहे हैं मैं किसी का संरक्षण नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बेवकूफी को बाहर दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं आप धमकी देख रहे हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक ऑफेंस है कि आपको बंद नहीं कर देना चाहिए नरेश अग्रवाल के खिलाफ जांच की आप मांग करते हैं वो जायज है किसी को गोली मारने की बात आप कैसे कर सकते हैं नहीं देखो ऐसा है कि विचारों की बात है वैचारिक गोली मारने की वैचारिक इन पे वो लगाम लगाने चाहिए सवाल इस तरह की बात है जो उसको आतंक अच्छा ये आतंकवादी कहने का अधिकारी है क्या ये आतंकवादी कह सकते हैं क्या कमाल की बात हो गई तो उस पे सरकार कार्रवाई करेगी ये क्यों ऐसा कह रहे हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे पर आप ये कैसे कह सकते हैं किसी को गोली मार देनी चाहिए अरे आप कमाल की बात है गोली आप उस पे देखो मैं कह रहा हूँ कि इन पे तत्काल जांच होनी चाहिए इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे विचारधाराओं को गोली मारना चाहिए बिल्कुल ऐसे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करने पाए आप कैसी बात है आप उनको और बचा रहे हैं स्वामी चक्रपाणि ना मेरा काम आपको बचाने का है ना नरेश अग्रवाल को आप अगर कुछ बात गलत कहेंगे उस पर आपको भी पूछा जाएगा नरेश अग्रवाल जो बात कह रहे हैं उस पर उनको भी पूछा जाएगा पर इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे नागरिक को गोली मारने की धमकी देता फिरे ओपन टेलीविजन पे
अरे गोली गोली मारने का मतलब ये थोड़े की बंदूक से गोली मार दो, गोली मारने का विचार कर आतंकवादी कहने का है क्या? एक नेता आतंकवादी बोलेगा क्या वहाँ पे? तो अब आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो अब आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपने जो कहा था वो ये कहा था कि इनकी विचारधारा को गोली मारी है, वैचारिक गोली मारना है? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी जी। लेट मी ऑल्सो नाउ गो अक्रॉस टू घनश्याम तिवारी ऑफ द समाजवादी पार्टी। घनश्याम तिवारी, a bizarre statement by Naresh Agarwal. He is an embarrassment to the Samajwadi Party. Why is there no action against him? What is Akhilesh Yadav waiting for? Well, a Samajwadi Party has fully rejected the statement of Mr. Naresh Agarwal. We stand united with the country on the issue of Kulbhushan Jadhav, and we believe that Pakistani media showed its moral and ethical bankruptcy in their treatment sir, to a mother and sir, a daughter. Sir, please, I request you at least on this channel not to give me mere lip service. Please don't tell me that you disassociate yourself and all that. It is convenience, politics of convenience. On one hand, every time he comes up with a bizarre statement, it's easy for you to come out and say, we disassociate ourselves. Why is there no action being taken? He's a offender. He's a history cheater of making bizarre statements. Well, as I said, we have maintained that there is no politics on matters of national security. We stand united on the statement by Government of India on this matter, on the matter of Kulbhushan Jadhav, and Pakistan had demonstrated. Mr. Tiwari, do you think people will take what you are saying? On face value? Sir, shouldn't a message be sent across from the Samajwadi Party of a man who goes ahead and almost speaks in the language of the Pakistani spokesperson of his foreign ministry? Why can't you take action and send across a message just by our television and coming on and saying that we do not condone what he is saying? That's not enough. The matter will be taken up by the party, but what is most important is the party would make it stand clear that India speaks in one voice on this matter. We condemn we condemn the kind of treatment. Sir, do you understand the amount of embarrassment that this statement is going to make, not only for India, globally for your party, but also for the country as a whole? Pakistani media is already taking up the statement of Naresh Agarwal, portraying it that people in India think that he's a spy and a terrorist itself. This is a highly sensitive matter. On this, your Rajya Sabha MP makes statement like this, but how long would we wait for Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, who speaks about youth, sentiments of the country, how long will it take for him to wake up? What is the delay? Naresh Agarwal ji has qualified his statement and has clarified his statement, but as a party, we have rejected the statement in its entirety. Sir, before I let you go, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, going to go beyond the words that are being spoken and set an example of Naresh Agarwal? Yes or no? We believe the example must be set on policy matters, in presenting the view of India within the country and outside. And I don't think one statement creates a stance that example must be set. Oh. As we said, that we have rejected. Great. So mere lip service, Ghanshyam Tiwari. Although we reject it, but of course, let's not make an example of a motor mouth of the Samajwadi Party, who's a habitual offender of speaking absolutely, of coming up with irresponsible statements, and something that he has not only embarrassed your party, but the entire country. Now, in the last line of your statement, you are saying no need to make an example out of it. Well, the people will judge for themselves what kind of a party will the Samajwadi Party be with Naresh Agarwal saying these things. Thank you so much for joining me on the broadcast. Let me very quickly go across to my colleague Asutosh Mishra, who is joining me now. Asutosh, controversy aside, Chakrapani comes out and says things, even more bizarre than Naresh Agarwal. What is this political discourse? Well, absolutely, Ankit. And, such bizarre remarks that was made by Naresh Agarwal, the Samajwadi Party member of parliament, that was bound to attract some, bizarre kind of response. And that was given by the Hindu Mahasabha president, Swami Chakrapani. But what is more serious, and the point which nation needs to concern, the government must take note of it, that, the suspicion that has been raised by the Hindu Mahasabha, that there could be a possibility, such kind of tools and weapon that is given by our own leaders in the member of parliament of Pakistan, that calling Kulbhushan Jadhav a terrorist, that will
certainly gives, you know, a big opportunity for Pakistan to stake the same claim. Now, the, you know, the that were raised by Hindu Mahasabha leader Swami Chakrapani, the, you know, this Jadhav can also be made the same fate by Pakistan. Pakistan can conspire against Kulbhushan Jadhav, and we one side we are seeing the opposition party forming government in the parliament, following, you know, the embarrassment that the family of Kulbhushan Jadhav faced in Pakistan. But other side, you know, the remarks, the controversy, one after one remark that is being made here by our own leaders. Ashutosh, thank you so much for joining me with all those details and getting us that bizarre statement by Hindu Mahasabha leader Mr. Chakrapani. He only seems to be a man who is out there to get some publicity out of this bizarre situation. Well, as opposition corners, the government over harassment meted out to the Kulbhushan Jadhav. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also, check out our other great videos from our channel. We know you will love to.